हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या सब सब वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह हो गई है, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी सुबह जब उठा था। बहुत टाइम बाद आज मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, कम से कम 2-4-5 दिन बाद मैं जा रहा हूँ स्कूल। और ये है मेरा छाता, ये वाला ट्रांसपेरेंट। हाँ, बारिश होने लग गई है, जब बारिश की छुट्टी थी तब तो इतनी तेज धूप आ रही थी, और अब जब स्कूल है तो अब यहाँ पर तेज बारिश होने लग गई है। अजीब सा हो रहा है, बारिश की छुट्टी हुई एकदम बहुत तेज धूप आई थी उसमें, तो जैसे स्कूल की बारी बारिश होने लग गई। वाह, खेलने में स्कूल के टाइम से भी पहले चले जाता था, तब भी बारिश नहीं होती थी। एक दो दिन ही गया वैसे, उस टाइम तो बारिश नहीं थी। कौन सा दिखता कैसा है पकने के बाद? ये पता नहीं मुझे, बट इन्होंने तोड़े क्यों नहीं, इसी में सूख गए। ये सूख गए? हाँ, अभी मैं बताऊंगी इसको क्या कहते हैं, इसको कुछ तो कहते हैं। कौन सा कलर का होता है जब ये पक जाते हैं? तो ऐसा ही होता है, रामफल कहते हैं। निकाल लो फिर, अभी तो निकालो कुछ। सूख ही गया वहाँ पर, और आज गौ माता नहीं है बारिश की वजह से, वरना तो और दिन तो रोज जीतती थी। तो अभी तो मैं स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ से आके आपको मिलूँ। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि बाहर हो रही है झमाझम बारिश, ये देखिए, और दक्ष जा चुका है स्कूल। आज बहुत दिनों के बाद स्कूल गया है, मुझे बोला था मम्मी अभी तो काफ़ी दिनों तक यही होता रहेगा कि मुझे नींद ही आती रहेगी, एक दो हफ्ते तक यही चलता रहेगा कि मुझे नींद आ रही है करके, बट स्कूल तो देखिए जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिलहाल दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है, घर के सारे काम सुबह हो गए थे, नहा धो के पूजा पाठ करनी थी जो कि मैंने कर ली है, बस इसी तरीके का अपना दिन है। बारिश है, और कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, परसों भी बारिश नहीं हुई, दो दिन छुट्टी थी तो बारिश नहीं हुई, और आज स्कूल था तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें यहीं पर छोड़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं आगे को। मैंने सारे काम कर लिए हैं घर के, और मिनी ब्लॉग डेली ब्लॉग दोनों मैंने एडिट करके आज सुबह ही, मैंने दक्ष के स्कूल जाने से पहले ही कर दिया था। आज मेरा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था, करीबन 5:30 भी नहीं बजे थे जब मेरा काम हो गया था शायद। तो ये सारी चीज़ें हैं, बारिश का सभी लोग आनंद उठाइए। चाय मैंने पी ली है, अभी मैं नहीं पीऊँगी, तो मिलूंगी आप लोगों से फिर से दोबारा से थोड़ी सी देर। तो जी मित्रों, अभी बजने वाले हैं, बज गए हैं 2, तो मैंने यहाँ पे दाल रख दी है गैस में, इसमें मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी। वैसे मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं उसी में फ्राई करूँ, बट आज मैंने सोचा मैं इसी में फ्राई करूँगी। और इधर कुछ बर्तन पड़े हैं चाय वाय के, थोड़ा सा मैगी मैंने अपने लिए बनाई थी, उसके बर्तन है, तो मैं सारे बर्तन अभी अब धो लेती हूँ फटाफट से। मेरे सारे काम हो गए हैं, दाल भी मैंने फ्राई कर ली है जीरे और हींग में, और दाल मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि थोड़ा सा दाल मैं पीऊँगी, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा दाल बनाई है। इसमें नींबू डाल के दाल ही दाल पीऊँगी तो टेस्टी होती है, मतलब काफ़ी, इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाई। मैंने अपने लिए चावल नहीं बनाए हैं, बस ये दाल जो है मैं पीऊँगी, इतनी सारी, थोड़ी सी कह के मैं इतनी सारी दाल पी रही हूँ। और इधर जो है मैंने दक्ष के लिए चावल भी रख दिए हैं बनाने के लिए, और अब बस ये जो थोड़ी सी दाल, जो कि थोड़ी सी दाम पे, मतलब दाल तो आप जितनी भी पियो हेल्दी होती है, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं होता है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस और उसको पीऊंगी। थोड़ी देर बाद दक्ष भी आ जाएगा, तब तक चावल भी हमारे जो है बनके रेडी हो जाएगा। जी मेरा राजे बेटा घर में आ गया है, मेरा प्याला बाबू का, कैसा गया आज का दिन इतने दिनों बाद? बढ़िया, इंजॉय किया स्कूल में? हाँ। खाना पीना? अरे बाप रे, बेटी टकरा गया। खाना खाया? हाँ। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। होमवर्क वगैरह चेक? हाँ। किसी किसी सब्जेक्ट का ना? हाँ। अच्छा, चलो फिर खाना खाएंगे अब, दाल चावल। हाँ।
टेस्टी टेस्टी। हाँ। अच्छा रहा ना दिन, मतलब आज का नींद तो नहीं आई? हाँ। आ रही थी। चलो फिर, चलो। अरे बाय 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 बाय, ऐसे कौन गेट खोलता है। चलो बाय बेटा। बाय मम्मी। मित्रों हो चुकी है शाम, दक्ष भी और ट्यूशन से आके जो है म्यूजिक की क्लास करके अपनी और जा चुका है खेलने के लिए। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स वेज आज, इसमें आलू पनीर और शिमला मिर्च और बीन्स है वो जो मैं बनाती हूँ हमेशा फ्राई करके, थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी फिर दोबारा छौंकूंगी। लहसुन प्याज टमाटर अदरक की, लहसुन की इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल सकते हैं आप लोग दोबारा से। तो मैं अपना चिमनी ऑन कर देती हूँ, उसके बाद आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाती है इसकी और मेरी कम आने लग जाती है। कभी फ्राई कर लेती हूँ बस क्योंकि आप लोगों से। देखिए सारी सब्जियाँ फ्राई करके मैंने निकाल दी है। इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, जीरा हींग डालूंगी और फिर ये सब्जी दोबारा से डालूंगी ठंडी होने के बाद, और उसमें मसाले डाल के ढक के डिम आँच में पकाऊंगी और लास्ट में गैस बंद करते समय, हाँ और थोड़ा कसूरी मेथी डालूंगी और लास्ट में गैस बंद करते समय मैं इसमें डालूंगी वो गरम मसाला और ढक दूंगी। बहुत टेस्टी बनती है बिना पानी के, बहुत स्वादिष्ट लगती है, बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। तो आज का हमारा जो है डिनर यही है। दक्षिण खेलने गया है, देखो कितनी देर में आता है, फिर उसकी पढ़ाई वगैरह भी करवानी है। देखिए जब हम घर में रहते हैं तो नॉर्मल से हमारा यही लाइफ रूटीन रहता है, और कुछ और भी होता है तो मैं कभी कभी ना ऐड भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो अपने आप रहता है, और जो ज़रूरी है वो चीज़ आप लोगों को दिखा दी जाए। इसीलिए देखते रहिए जैसे भी हैं आप लोगों के सामने हैं। फ्रेंड्स खाना पीना मैंने खा लिया है। फ्रेंड्स 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 और फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स। मेरी पढ़ाई भी हो गई है और पेट तो कुछ ज़्यादा भर गया मेरा, ये देखो। और अब है एसी टाइम, गर्मी भी हो रही है बहुत, तभी एसी लाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है बाहर से मेंढक वगैरह की। और इस व्लॉग को भी मैं एंड करता हूँ। आज मैंने हिस्ट्री का याद किया था, जल्दी 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 जल्दी। चलो एसी चालू हो गया, आराम से अब आराम से कूलिंग करेगा। घूम रहे ना। हाँ तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड।